उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया। आज यानी सोमवार को मुंडन संस्कार के दौरान श्रद्धालुओं से भरी एक नाव गंगा नदी में पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। वहीं लोग गंगा की तेज धारा में लापता भी हो गए। मौके पर बचाव टीम पहुंची है और लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नाव में 30 से 35 लोग सवार थे। ये हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के मालदेपुर गंगा घाट के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है कि नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे, इसी वजह से नाव गंगा में डूबी। वहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद नाव में ही कोई गड़बड़ी हो या नाव के चलाने वाले नाविक से कोई गलती हुई हो जिसकी वजह से नाव डूबी है। हालांकि प्रशासन के अधिकारी हादसे के कारणों को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। गंगा में कितने लोग लापता हुए हैं अभी उसकी संख्या को लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में जिन लोगों को तैरना आता था वो लोग बाहर तट पर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक गंगा में नाव धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी, तभी असंतुलित हो गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे, फिर अचानक ही नाव गंगा में समा गई। नाव में कुछ महिलाएं भी सवार बताई जा रही हैं। प्रशासन के अधिकारी नाव चलाने वाली नाविक की तलाश कर रहे हैं। हम बघेली के रहने वाले हैं। हमारे ही ग्राम पंचायत के कुछ जो है कि लोग बाहर उतारने के लिए आए थे। अभी पता चला है कि उसमें गंगहारा के भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर प्रशासन की घोर लापरवाही है। एक नाव में जो है 50-50 लोग बैठ करके नाव में जा रहे हैं। आप स्वयं देख लें, वो नाव जा रही है आगे सामने जो जा रही है, ओवरलोड है नाव में, हवा भी तेज है और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। घाट पर अफरा तफरी की स्थिति मची हुई थी। लोग किनारे से ही रेस्क्यू टीम के अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे थे। आइए सुनते हैं इस हादसे पर हुई हमारे संवाददाता से खास बातचीत। संत कुमार मिठाईलाल गुप्ता, ये चेयरमैन नगर पालिका परिषद बलिया। अभी मीडिया से सूचना मिली कि नाव पलट गई है, तो मैं तुरंत जो है सारे कार्यक्रम छोड़कर मैं यही जो है मालदेवपुर घाट पर जो है मैं आया। पूरा जन सैलाब है यहाँ पे, और जिससे कि हमारे जो मुन्ना जी हैं जो है आके ये चौकीदार है, उन्होंने बताया कि 40 लोग सवार थे, वो सबको बचाया गया है। उसमें 3 लोग में 2 लोग तो मर गए हैं, 1 लोग को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। अभी नाव जो है जहाँ पे नाव पलटी है वहीं पे हम लोग हैं। नाव के अंदर कोई अभी है नहीं, और अब हम लोग पता कर रहे हैं, अब फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं और कितने लोग घायल हैं अभी अपुष्ट पूरी जानकारी नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि नाविकों को सख्त निर्देश है कि क्षमता से अधिक लोग नाव पर नहीं सवार कराएं। फिर भी कुछ नाविक नहीं मानते हैं। हालांकि घाट पर मौजूद लोगों की माने तो इसके दोषी सिर्फ नाविक नहीं, उसमें सवार यात्री भी हैं। कई बार वो जबरदस्ती नाव पर सवार हो जाते हैं जिससे नाव ओवरलोड हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी तो गंगा के बीच धारा में कुछ लोग हुड़दंगई करने भी लगते हैं। इस वजह से नदी में नाव डूबने का खतरा बना रहता है। ये इस दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।